जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बलेरो पावर स्टार का इंजन है जिसका हम आज इंजन टाइमिंग सेट करने जा रहे हैं। तो आपको हम इंजन टाइमिंग का थोड़ा सा डिटेल देंगे कि किस तरह से इसका इंजन टाइमिंग आप सेट करिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि हमने इसका दोनों कैम फिट कर दिया है। ये हमारा दोनों कैम टाइट हो रहा है। कैम टाइट करने के बाद सबसे पहले जो पुल्ली है इसको, इसका बोल्ट लूज कर लीजिएगा। ये देखिए कि आपका ये फ्री पुल्ली हो जाएगा ताकि आपका चैन जिधर भी चाहिए एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप, आपको इसका चैन चढ़ा कर दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें एक उल्टा थ्रेड देता है। देखिए एक साइड का उल्टा थ्रेड है, ये सीधा थ्रेड है। तो ये बार बात को ध्यान दीजिएगा, सीधा मत करिएगा। हमने इसका टाइमिंग चेंज चढ़ा दिया है। देखिए एक वहाँ कैम को लॉक किया है, ये हमारा यहाँ एक कैम लॉक है और यहाँ हमने क्रैंक को लॉक करके रखा है। देखिए और यहाँ से कैम का जो ये पोजीशन है, देखिए जैसा हमने इसको रखा है, एक साइड देखिए ज़्यादा है एक साइड कम है, उसी तरह से इसको भी हमने बाहर की पोजीशन में रखा है। देखिए ये कम वाला बाहर है, ये ज़्यादा वाला अंदर है। इधर भी देखिए कम वाला बाहर है, ये ज़्यादा वाला अंदर है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कैम का टाइमिंग हो गया और ये हमारा क्रैंक का टाइमिंग हो गया। तो फाइनली हमारा चेंज कर चुका है। देखिए हमने इसका कैम भी दोनों टाइट कर दिया है, टेंशनर भी टाइट कर दिया है। हमारा जो चैन का रेल वेल आता है, चैन इंसुप हमारा फाइनल हो चुका है। तो ये हमारा कैम का बोल्ट एक बार हम बॉक्स पाने से फाइनली टाइट कर देते हैं, तो हमारा इंजन टाइमिंग ओके हो जाएगा। देखिए उल्टा थ्रेड है। चेंज चल चुका है, अब एक बार हम घुमा के चेक कर लेंगे। अभी लॉक कर ले, तीन नंबर स्टॉप पर आ जाए। पाना था तीन नंबर का स्टॉप पे आता है। पकड़ हो गया, घुमा इधर से, इधर से जिस तरह हमने फिर से एक राउंड घुमा कर दोबारा हमने इसका इंजन टाइमिंग चेक किया। देखिए ये हमारा कट जो है एकदम प्रॉपर आया है। ये देखिए हमारा कैम भी बराबर लॉक हो रहा है। ठीक है, ये भी जो पोजीशन है देखिए एकदम बराबर है। ये हमारा इंजन का जो टाइमिंग था वो ओके हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, सिर्फ इसमें आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो कैम है ये देखिए जिसमें चैन नहीं आता है उसका उल्टा थ्रेड आता है और ये सीधा थ्रेड आएगा।
ठीक है। तो हमने इसका दोनों पुली जो है लूज कर लिया था, लूज करके चैन को पहले चढ़ा दिया, क्योंकि ये दोनों पुली आप लूज कर लेंगे तो आपका कैम जो है फ्री हो जाएगा। तो जैसा स्विफ्ट डिजायर का जैसा टाइमिंग आता है, जैसे कि आप क्रैंक का बोल लूज कर लेते हैं तो फ्री हो जाता है, चैन चढ़ा के कभी भी आप टाइमिंग मिला सकते हैं, उसी प्रकार से इसका भी टाइमिंग है। तो पहले हमने चैन को चढ़ा लिया, उसके बाद एक घुमा के क्रैंक को लॉक किया, कैम को लॉक किया, और उसका चैन डालकर हमने दोनों पुली जितना लॉक करके टाइट कर दिया। ये इंजन टाइम चैन चढ़ाने का एक छोटा सा टेक्निक था जो हमने आपको इसमें बताया है। देख सकते हैं इसका चैन में और ये पुली में कोई मार्किंग नहीं है, क्योंकि इसका कैम जो है उसमें की नहीं दी है, एकदम फ्री पुली है, ठीक है। की दिया रहता है तो उसमें आपका पुली घूमता नहीं है। दोनों बोल लूज कर देंगे तो आपका पुली फ्री हो जाएगा। कैम को दोनों लॉक कर लीजिएगा, एक कैम को और इधर क्रैंक को लॉक कर लीजिएगा। लॉक करने के बाद चैन चढ़ा दीजिएगा। चैन ऑन चढ़ाने के बाद, टेंशनर लगाने के बाद, चैन का रेल लगाने के बाद, और उसके बाद फिर से एक बार घुमा के टाइमिंग को लॉक कर लीजिएगा, कैम को और क्रैंक को, और उसके बाद दोनों पुली का बोल्ट टाइट कर देंगे तो आपका चैन का टाइमिंग जो है ओके हो जाएगा, क्योंकि इसमें चैन में कोई मार्क नहीं है। जैसा डिजायर का था, स्विफ्ट डिजायर का, आप क्रैंक का पुली लूज कर देते तो फ्री हो जाता है, उसी तरह इसका भी है, ठीक है। अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।